कोल्ड प्ले शो के बारे में, यह एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत साजिश है पैसे कमाने की। इसमें ऑर्गेनाइजर, टिकट बेचने वाली कंपनी, ये सब मिले हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बुकिंग ओपन करो और कुछ सेकंड के भीतर वो सारा का सारा बुक हो गया करके आप कहोगे? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऑर्गेनाइजर है, टिकट बेचने वाली कंपनी है, इनके जो सरगना है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कोल्ड प्ले शो के बारे में, यह एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत साजिश है पैसे कमाने के लिए। इसमें ऑर्गेनाइजर, टिकट बेचने वाली कंपनी, ये सब मिले हुए हैं। ऐसा शुरू में दिख रहा है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बुकिंग ओपन करो और कुछ सेकंड के भीतर वो सारा का सारा बुक हो गया करके आप कहोगे, और बाद में ब्लैक मार्केटिंग के तहत लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाने का यह षड्यंत्र पूरी तरह से मुंबई की पुलिस पर्दाफाश करेगी? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऑर्गेनाइजर है, टिकट बेचने वाली कंपनी है, इनके जो सरगना है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहां पर ब्लैक मार्केटिंग टिकटों की हम होने नहीं देंगे। देश भर के लोगों को, जिनको ये शो देखना है, जो शो के टिकट की कीमत है उसी कीमत पर उनको देना होगा। मुंबई पुलिस ने भी सम्मन किया है, कैसे देखते हैं? इसी उनको सम्मन किया। ये कोई उद्धव की सरकार नहीं जो खामोश बैठेगी, ये शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। यहां पर जो गलत काम करेगा, कुकर्म करेगा, वो भोगेगा। और इसमें पुख्ता जानकारी मिलती है कि ऑर्गेनाइजर और शो के टिकट बेचने वाली कंपनी, इनकी पूरी साठगांठ है, और ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, ब्लैक में टिकट बेचने के लिए इन्होंने ये सोची समझी साजिश के तहत किया है।